हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। और हाल ही में ओम का ट्रेलर आउट हुआ था, और ट्रेलर के साथ साथ हम सबको अब ये समझ में आ गया है कि हमें एक्शन हीरो की ज़रूरत थी और हमें मिल चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं खुद ओम, यानी कि आदित्य रॉय कपूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू नवीन। कैसे हैं आप? सब ठीक, प्रमोशन चालू है बैक टू बैक, बट मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा ट्रेलर था। हाउ, मतलब आपको किस तरह के रिव्यू मिले? सबसे पहले किससे मिले और क्या मिले? एक्चुअली सबसे पहले मेरे दोस्त ने मैसेज की थी सर कि अच्छा लगा, दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड मी टू बी इन दिस अवतार। एक्चुअली नो वन रियली एक्सपेक्टेड इट, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव डन ड्रामा एंड कॉमेडी एंड रोमांस, पर एक्शन तो मेरे लिए एक नई जॉनर है एंड मैं करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। आई एम ग्लैड कि फाइनली आई डिड दिस, बट आई थिंक ऑल इन ऑल गुड रिएक्शंस। मैं काफ़ी एक्सपेक्टेंट था क्योंकि इट इज़ अ न्यू ट्रैक फॉर मी, यू नो, आई वांट टू नो हाउ पीपल रिएक्ट, बट आई थिंक सो फार सो गुड। हाँ, मतलब व्हाट मेड यू से यस टू दिस कैरेक्टर? बिकॉज हम सब को बहुत ही एक नए आदित्य रॉय कपूर देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक व्हाट फर्स्ट स्ट्रक मी अबाउट इट वाज एक ये एक काफ़ी इमोशनल फिल्म है, इंटीमेट कहानी है एक परिवार की। इट्स अबाउट द डायनामिक्स ऑफ दैट फैमिली एंड व्हाट दैट फैमिली गोज थ्रू। तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि देखो, अहमद सर और कपिल दोनों एक्शन फिल्म्स में इतने एस्टैब्लिश है, दे हैव डन सो मच अमेजिंग वर्क, कि वो बॉक्सेस तो टिक थे ही। तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज दैट द स्टोरी हैड अ इमोशनल एंकर, इमोशनल कोर जो बहुत ही स्ट्रांग था। सो व्हाट एक्साइटेड मी इन द स्टार्ट वाज द स्टोरी इटसेल्फ। तो अभी जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं जब इस तरह के मतलब जब ओम जैसे शब्द होते हैं, चाहे जो कुछ भी है। अभी हाल ही में इसका टाइटल चेंज होने की भी बात हुई थी, आपने किस तरह से लिया? बिकॉज मूवी बहुत अच्छी है, ट्रेलर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्या टाइटल से फिल्म पे इफेक्ट करने वाला कुछ ऐसा आपके दिमाग में? वेल, आई होप पॉजिटिव इफेक्ट ही होने वाला है। आई डोंट, यू नो, यू नेवर नो, बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स एंड आवर स्टूडियो फेल्ट कि ये दो राष्ट्र कवच एक दोनों फिल्म की बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दे फेल्ट कि शायद ये चेंज ऑफ नेम विल बी मोर ऑफ अ कनेक्ट टू द पीपल, सो होपफुली दैट इज द केस। अभी तक मतलब आपने अभी हाल ही में लास्ट में मलंग किया था, बहुत अच्छी लगी थी मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, बिकॉज यू नो दैट मुझे अब मतलब आई एम अ फैन काइंड ऑफ, यू कैन से लाइक दैट। लेकिन मलंग के बाद आप किस तरह की स्क्रिप्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे? एक्चुअली मलंग में मुझे थोड़ा सा एक्शन करने को मिला, एंड आई वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड दैट एक्शन, और वो करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। आई फेल कि यार कर पा रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, एंड वाई नॉट लुक फॉर समथिंग मोर, यू नो, समथिंग दैट रिक्वायर्ड मी टू डू मोर एक्शन। तो इट वॉज लाइक क्वाइट फनी थिंग कि मलंग ट्रेलर देखने के बाद ही अहमद सर और कपिल सर का को लगने लगा कि शायद मैं ये कर पाऊंगा। जेल सीक्वेंस और ट्रेलर में कुछ वो शर्ट फाड़ने का एक कोई शॉट था, तो वो देख के लगा कि यार ये ओम है, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर एन एक्शन फिल्म, सो इट वॉज लाइक द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपने इस कैरेक्टर के लिए आपने बहुत सारी अपने ऊपर मेहनत भी की है, लाइक वेट गेन करना, इतना बल्क अप करना, किस तरह से आपने किया? बिकॉज आपने ऑलरेडी एक इसके पिछले वाले फिल्म में आपने किया था, उसके बाद फिर इस फिल्म के लिए भी किया, क्या वो प्रोसेस सीधा वैसे ही था या फिर आपने वापस से किया था? इस फिल्म में प्रोसेस अलग था, क्योंकि मलंग में मुझे बस बल्कि होना था, वो एक्शन थोड़ा सा बेसिक एक्शन था, इट वॉज लाइक मारधाड़ रेगुलर। इसमें कपिल और अहमद सर काफ़ी क्लियर थे कि दे वांटेड मी टू डू ऑल ऑफ द स्टंट्स, ऑल ऑफ द एक्शन, तो मुझे लगा कि मुझे एक्शन क्लासेस यू नो लेनी थी, बिकॉज आई वांटेड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन सेट। तो इट वाज अ 3.5-4 month प्रोसेस यार, तो 2-2.5 घंटा एवरी डे एक्शन क्लासेस विद बॉयज दैट वर टीचिंग मी, शाम को जिम, तो दिन का इट वॉज लाइक 4.5-5 hours ऑफ फिजिकल वर्क, जो काफ़ी actually for me this was the toughest role physically I've ever done. Yeah. तो क्या जब आप वेट गेन करते हैं, फिर आपने अभी फिर से वेट लॉस किया, तो स्टोरी के डिमांड से आपने मतलब उस हिसाब से अपने फिजिक को चेंज किया, क्या वो मेंटल टोल करता है, मानसिक रूप से उस पर अफेक्ट करता है? हो सकता है, यू नो, इट कैन अफेक्ट यू, पर पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं एक रोल के लिए फुल ऑन रिप्ड हो जाता था 2-3 महीने के लिए, देन सडनली अचानक से आई वुड जस्ट गो एंड बिंज ईट एंड पुट ऑन लाइक 5-10 किलोज, फिर वापस कोई रोल आता उसके लिए लूज़ करना,
तो वो यो में जो स्ट्रेस आते हैं मेंटली मोर देन फिजिकली, दैट इज़ व्हाट आई हैव नाउ ट्राइड टू अवॉइड. सो आई ट्राई टू बी अ लिटिल कंसिस्टेंट विथ माई डाइट. तो अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं 20 दिन या 25 दिन या एक महीने के अंदर मैं रेडी हो पाऊंगा, नॉट 3 months एंड 4 months ऑफ क्रैश डाइट. उसमें यू नो प्रॉब्लम हो जाता है. तो फॉर मी एज आई गेट यू नो मोर एक्सपीरियंस विद दिस, आई रियलाइज दैट कंसिस्टेंसी इज द की. एंड कुछ वैसे सेट पे एक्शन सीक्वेंस के दौरान कुछ ऐसे चोटी वोटी आई थी क्या, कुछ वैसा अगर आप शेयर? अरे एक्शन में हो ही जाता है और आपको पता भी नहीं चलता. यू नो यू आपको क्योंकि बॉडी वार्म रहती है, एड्रेनलिन रश रहता है. जब आप वैन में जाते हो तो बोलते हैं अरे यहाँ कट गया, ये कट गया, एक्चुअली यहाँ पेन हो रहा है. सो ये तो एक एवरी डे चीज़ होती है एक्शन फिल्म पे. हम आदित्य आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक हमने आपको जितनी भी फिल्मों में देखा, बहुत सारी फिल्मों में आपने मल्टी स्टार फिल्म में काम किया, बहुत सारे फिल्म में आपने रोमांस का किरदार, रोमांटिक एक्टर का भी, इस फिल्म से क्या वो आप वो बाउंड्री एक अलग बनाना चाहते हैं, एक नया इमेज बनाने की कोशिश है क्या इसे कह सकते? बिकॉज टिल नाउ आप एक रोमांटिक हीरो हैं, तो आपने बहुत सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, तो क्या इससे आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि ये इट फील्स लाइक अ डिफरेंट रिलीज, इट फील्स लाइक एक कोई एक ट्रैक चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर. सो इट इज़ देयर, पर मैंने ये डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया कि यार मुझे इमेज ब्रेक करना है. आई वॉन्टेड टू एन एक्शन फिल्म एंड उससे इमेज ब्रेक हो रही है, दैट्स लाइक द यू नो काउंटर थिंग, जस्ट सो हैपनिंग लाइक दैट. बट yes, I'd like to keep doing different work. I want to do a comedy. I want to do more romance. I want to keep doing different things and not get stuck in just doing one thing. And आपने ऐसी भी फिल्में की हैं जिसमें you have played a friend of actors, like hero का दोस्त play किया है. तो आपके लिए किरदार ज़्यादा important है या फिर lead actor? I think दोनों important है. I like doing films if I have an interesting character. जैसे कि ludo कर ली मैंने. हाँ एंड आई लव प्लेइंग दैट रोल. तो अगर मेरा सोच ये होता तो मैं वो नहीं करता, यू नो, एंड आई वुडंट गेट अ चांस टू वर्क विद सच एन अमेजिंग डायरेक्टर, वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स. तो आई कीप एन ओपन माइंड. आई फील लाइक मैं ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, प्रॉब्लम क्या है, यू नो, उसमें आई डोंट ट्राई एंड सेग्रीगेट. आई वॉन्ट टू डू एन एक्ट इन फिल्म आई वुड लाइक टू वॉच, सिंपल एज दैट. Did you actually use that real weapons? हम जैसा देख रहे हैं मशीन गन है, बहुत सारी चीज़ें, रियल मतलब तो नहीं बोल सकते उसको, बट रियलिश 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 रियल वेपन्स तो यूज़ नहीं होना चाहिए सेट पे, नहीं. अच्छा, हमने ये भी देखा कि आपने अपनी कोस्टार को भी मतलब एक्शन की चीज़ें सिखाने की भी कोशिश की, जो हमें पता चला, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखो मैं सिखा तो नहीं रहा था, पर जब आप एक कोई सीनियर हो और इफ़ यू नो समथिंग दैट कैन हेल्प योर को एक्टर, तो उसको हेल्प करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वेन एवर आई फेल्ट लाइक something I would say could benefit you know Sanjana, I was always telling her that's your duty as a co-actor. And lastly, aapke upcoming films aa rahe hain Gumrah and Captain, kya kehna chahenge uske bare mein? Main dono projects se kafi excited hu. I'm still shooting for both of them, so I can't say much about it, but what I'm happy about is ki wo ye project se kafi different hai. So it's going to be and those two are also different from each other, so I'm excited that I'm doing different kind of work, you know. Thank you so much hamare sath Aditya bane rehne ke liye, and bahut acha, hum sab ko bahut intezar hai is film ka and 1st july ka, aur hum sab ko intezar hai aapka ki aap theater mein fir se dikhe and hum sab dekhe aapko, and all the best for the movie. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.